तो दोस्तों आज निकल कर रही सबसे बड़ी खबर, तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। लॉकडाउन में दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में जो खाना बंटवाया जा रहा है, आज उसकी रियलिटी चेक के लिए HMTV लाइव की टीम दिल्ली के शकरपुर स्कूल ब्लॉक राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय पहुंची। शकरपुर स्कूल ब्लॉक की राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में लॉकडाउन के कारण दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिदिन लगभग 500 लोगों को खाना बंटवाया जाता है। वहां उपस्थित स्कूल अध्यापक धर्मपाल ने बताया कि उनके संरक्षण में प्रतिदिन खाना वितरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि जो खाना यहाँ आता है उसका पहले वजन किया जाता है और फिर लगभग 250 किलो खाना रोज 500 लोगों में वितरित होता है। स्कूल में पहुँचने पर हमें वहाँ कुछ बच्चे भी मिले। जब इस बारे में हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप नहीं आते तो इन्हें ही खाना दे दिया जाता है। RWA स्कूल ब्लॉक पार्ट 1 पार्ट 2 नेहरू इनक्लेव के अध्यक्ष एवं विधायक कोऑर्डिनेटर पवन रावत ने बताया कि खाने की गुणवत्ता प्रतिदिन हम जांच करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खाना वितरित करवाते हैं। वहां उपस्थित समाजसेवी शैलेंद्र कुमार सतपाल तथा भगवती देवी ने बताया कि यह कार्य दिन में 12 बजे तथा शाम को 6 बजे किया जाता है। भगवती ने बताया कि कुछ लोग शर्मवश ना तो खाना लेने आते हैं और ना ही किसी को कुछ बता पाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक परिवार के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि उनके घर पर राशन नहीं है, तो मैंने पवन रावत से कहकर वहां राशन पहुंचाया। राशन मिलते ही परिवार रोने लगा और उनके बच्चे खुश हो गए। पवन रावत ने बताया कि नेहरू इनक्लेव स्थित मंदिर में विधायक अभय वर्मा द्वारा प्रतिदिन 300 पैकेट खाना बंटवाया जाता है। HMTV लाइव के लिए नीरज पांडे की रिपोर्ट। बहुत है इतना। बेटा आपका क्या नाम है? आपके घर में कोई बड़ा नहीं है तो खाना लेने आप आए? डेली आप ही आते हो? डेली आते। कितने लोगों का खाना ले जाते हो? 6 लोगों का। थोड़ा कुछ तो सीखा करो।